रमन बोल रे जय राधा रमन हरि बोल। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराजा परीक्षित की जय। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों तथा पितरों की शांति के लिए आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह संपन्न। कलश विसर्जन यात्रा के बाद संग्राम में विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जिला सिरमौर व प्रदेश में दो बार ऐसी जानलेवा बारिश न होने की कामना भी की गई। स्थानीय धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा प्रतिदिन भंडारे व जागरण का भी आयोजन किया गया। जिला सिरमौर व हिमाचल में इस बार भारी बारिश व बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों व पितरों की आत्म शांति के लिए संग्राम में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह शनिवार को विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गया। मुख्य बाजार में आयोजन स्थल से शिव मंदिर तक निकली कलश विसर्जन यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और इस दौरान भजन व भगवान के जयकारों का दौर भी चलता रहा। कथा के समापन पर हुए विशाल भंडारे में क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह के दौरान लगातार विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों व व्यापारियों द्वारा भजन संध्या व भंडारे का भी आयोजन किया जाता रहा। अंतिम दिन व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य विजय अंगिरस ने भागवत पुराण व गीता का सार रोचक ढंग से मौजूद श्रद्धालुओं को सुनाया। आयोजकों में शामिल पंडित रामलाल शर्मा ने बताया कि जिला सिरमौर व हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में इस साल हैवी रेनफॉल भूस्खलन अथवा बाढ़ से हुई तबाही में जान गंवाने वाले सैकड़ों लोगों की मोक्ष की कामना व पितृ शांति के लिए आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि पितृ पक्ष में हुए इस अनुष्ठान के दौरान भगवान से दोबारा देवभूमि हिमाचल में इस तरह की जानलेवा बारिश न होने की कामना भी की गई। बहरहाल कलश विसर्जन यात्रा के दौरान आरती व भजन कीर्तन से बाजार में माहौल भक्तिमय हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण ये यहाँ जो सभी क्षेत्रवासियों के पितरों की आत्मा की शांति के लिए करवाया गया आज पूर्णाहुति हुई और संपन्न हुआ। और इसके जो व्यास जी थे श्री विजय अंगिरस जी ने उन्होंने 7 दिन तक सभी क्षेत्रवासियों को कथा का रसपान कराया। अभी हाल ही में पीछे बरसात में अकस्मात मृत्यु हुई थी शिव बावड़ी मंदिर शिमला और कृष्णा नगर में सिरमौरी ताल मंदिर में सोलन सिरमौर कुल्लू बिलासपुर और मनाली में और मंडी में सबसे जो मौतें हुई है उसकी उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी ये यज्ञ यहाँ करवाया गया और सभी क्षेत्रवासियों के पितरों के कल्याणार्थ ये कथा व्यास पंडित विजय अंगिरस जी ने 7 दिन कथा का रसपान करा के संपन्न हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।